आप सभी लोगों के यार हमेशा कमेंट्स आते रहते हैं कि भाई यार उज्जवल भाई यार बाकी बड़े क्रिएटर्स को अपने हीरो ब्रांड एसएमपी के अंदर क्यों नहीं बुलाते, मतलब कि यार मिथ पैट ट्रिगर्ड इंसान रचित्रो हितेश भाई इन सबको यार वो अपने हीरो ब्रांड एसएमपी के अंदर क्यों नहीं बुलाते। तो गाइस यार इन सबसे रिलेटेड यार एक बहुत बड़ा अपडेट मिला है जिससे यार आपको ये भी क्लियर हो जाएगा गाइस यार उज्जवल भाई यार इन सब पर एंग्री है या नहीं है, मतलब ट्रिगर्ड इंसान मिथ पैट रचित्रो भाई इन सब पर उज्जवल भाई एंग्री है या नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मेरे को हर दिन लोग पूछ रहे हैं, रचित भाई आपने निश्चय ने मिथिलेश ने स्पेशली आपने बिकॉज मेरे से पूछ रहे हैं हम लोगों ने हीरो ब्राइन एसएमपी क्यों नहीं ज्वाइन किया। डूड मेरे को इस ये क्वेश्चन ने परेशान कर दिया, हर दिन मेरे को कोई ना कोई मैसेज करता है, एक्चुअली ईमेल्स भी आते मेरे को कि रचित भाई प्लीज गो इनटू हीरो ब्राइन एसएमपी, आपने हीरो ब्राइन एसएमपी क्यों नहीं ज्वाइन किया। सो आई थॉट कि एक्चुअली ना बोलने से अच्छा है कि मेरे को इस चीज के बारे में डिस्कस करना चाहिए कि रचित भाई ने माइनक्राफ्ट हीरो ब्राइन एसएमपी क्यों नहीं ज्वाइन करी, बिकॉज इफ मैं नहीं बताता तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती। सेम ऐसा ही आई थिंक निश्चय के साथ भी कुछ अभी रिसेंटली हुआ था कि हम लोग हीरो ब्राइन एसएमपी में क्यों नहीं है। रोनित अग्निहोत्री व्लॉग्स भाई ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डोंट यू ज्वाइन हीरो ब्राइन एसएमपी, बिकॉज दे डू नॉट इनवाइट मी। अब और मैं क्या ही बोलूं। ओके ओके निश्चय भाई, आई डोंट वांट टू लाइक से दिस बट यप आई वाज नॉट इनवाइटेड, यप एंड मैंने सामने से फोन करके बोला मुझे बुलाओ एंड उसके बावजूद भी आई वाजंट इनवाइटेड, तो अभी मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता किसी को भाई। एनीवेज ओके सो लेट मी टेल यू अभी कि क्या सीन था। जैसे कि उज्जवल ने बोला है कि अभी और भी बंदे आने हैं तो आई डोंट नो हम लोग साइज से इन फ्यूचर आ सकते हैं, बट द रीजन कि मैंने हितेश ने निश्चय ने क्योंकि मिथिलेश भाई का मेरे को नहीं पता, अभी निश्चय का मेरे को पता है, हितेश भाई का पता है। सो द रीजन हम लोगों ने हीरो ब्राइन एसएमपी ज्वाइन नहीं किया बिकॉज जब ये एसएमपी बन रहा था उस टाइम पे हम लोग इन्वाइटेड थे, हम लोग फर्स्ट पर्सन थे इस एसएमपी के, बट जब ये एसएमपी स्टार्ट हुआ तो मेरे को निश्चय को हम लोग को इनवाइट नहीं मिला, ठीक है, इस एसएमपी में आने का, जिसका रीजन अपने को नहीं पता है। अब इट डजंट मीन कि उज्जवल एंड मेरी लड़ाई है, अभी तक हम लोग बात करते हैं, ठीक है, हम लोग इंस्टाग्राम पे अभी तक वो मेरे पोस्ट लाइक करता है यार, तो इट डजंट मीन कि कोई लड़ाई है। सो कोई भी लड़ाई नहीं है, बट द रीजन कि हम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया बिकॉज इट्स नॉट लाइक हम लोग का एसएमपी नहीं है ब्रो, ये एसएमपी दूसरे बंदे का है एंड उसने स्टार्ट किया है, तो वी कांट जस्ट गो कि ब्रो मेरे को ये एसएमपी में घुसना, हालांकि मैं कर सकता हूँ ब्रो, मैं उसका सीधा आईडी लेके उसमें घुस सकता हूँ, बट वो कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। अभी क्या हम लोग इन फ्यूचर इस एसएमपी में आएंगे, क्या हम लोग इन फ्यूचर हीरो ब्राइन एसएमपी ज्वाइन करेंगे, आई डोंट नो, लाइक इफ देखो आई डोंट नो एक्चुअली कि क्या होगा आगे, बट जितना मैं बोलूंगा कि इन स्टार्टिंग मैं चाहता था कि मैं हीरो ब्राइन एसएमपी ज्वाइन करूं, बट मैंने खुद से मैसेज किया सेम लाइक निश्चय भाई, जैसे निश्चय ने बोला कि उन्होंने भी मैसेज किया एंड उनको इन्वाइट नहीं मिला, सेम विद मी मैंने भी मैसेज किया था एंड मेरे को इन्वाइट नहीं मिला, एंड इट्स ओके एक्चुअली, जो भी क्रिएटर्स हैं उसमें वो सारे के सारे मेरे फ्रेंड हैं। मन में ऐसे क्वेश्चन ना रहे कि रचित भाई आपने हीरो ब्राइन एसएमपी क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्या आपकी लड़ाई हो गई है या क्या सीन है, तो मैं जस्ट चाहता था कि तुम लोग को पता लगे, बिकॉज मेरे को बहुत मैसेजेस आते थे कि रचित भाई आपने उज्जवल से लड़ाई कर ली क्या, या क्या रीजन है आप क्यों नहीं जा रहे हो, क्योंकि काफी लोगों को लगता था कि मैं नहीं जा रहा हूँ हीरो ब्राइन एसएमपी। सो गाइस रचित भाई की ये वाली वीडियो देखकर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये सब लोग यार हीरो ब्राइन एसएमपी के अंदर क्यों नहीं आ रहे, मतलब कि गाइस ये सब लोग बेसिकली यही कहना चाहते हैं कि भाई यार ये सब लोग हीरो ब्राइन एसएमपी के अंदर आना चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इन्होंने मना कर दिया हम नहीं आएंगे, ये आना चाहते हैं सामने से पर इनको इन्वाइट नहीं मिला। गाइस रचित भाई ने यहाँ पर एक और बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज बताई है, मतलब कि इन्होंने कहा ये फर्स्ट इनवाइटेड थे, मतलब कि ये हो गए ट्रिगर्ड इंसान और मिथ पैट, ये तीनों फर्स्ट इनवाइटेड पर्सन थे, मतलब कि सबसे पहले इनको बुलाया गया, मतलब कि यार इन सबको एडवांस में इनवाइट भेज दिया था यार हीरो ब्रांड एसएमपी के बनने से पहले। और गाइस अब बात करते भाई आखिरकार उज्जवल भाई यार इन सबको अपने हीरो ब्रांड एसएमपी के अंदर इनवाइट क्यों नहीं कर रहे, तो गाइस यार सीन यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा है, वही गाइस ट्रिगर्ड इंसान वाली बात आपको याद ही होगी। बेसिकली गाइस यार हीरो ब्रांड एसएमपी की जो स्टोरी लाइन है वो गाइस यार बिल्कुल अलग चल रही है यार, जब तक यार इसके अंदर सारी चीजें बिल्कुल सॉर्ट आउट नहीं हो जाती तब तक गाइस यार कोई नया बंदा ऐड करने का कोई फायदा नहीं है। हो सकता है गाइस यार जो नेक्स्ट स्ट्रीम होगी जिसके अंदर गाइस कोर्ट हियरिंग होने वाले हैं तब गाइस हो सकता है भाई सारी चीजें पहले जैसे सॉर्ट आउट हो जाए और गाइस फिर से यार और न्यू मेंबर्स ऐड होंगे। गाइस यार बहुत से लोग यार लोगी भाई भी स्पैम करते रहते हैं चैट के अंदर, वो चाहते हैं कि भाई लोगी भाई भी एसएमपी के अंदर। गाइस यार अभी जो हीरो ब्रांड एसएमपी की स्टोरी लाइन है वो बिल्कुल अपने हिसाब से चल रही है, मोस्ट प्रोबेबली गाइस यार कोर्ट हियरिंग के बाद सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी, फिर उसके बाद गाइस और भी न्यू मेंबर्स ऐड होंगे।